आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। विकास कार्यों की सौगात देने के लिए नगर निगम द्वारा किया जा रहा निर्माण घटिया निर्माण की पोल ही खोल रहा है। विनोबा नगर में बनाई जा रही सीसी रोड निर्माण के समय नाले में सिर्फ हल्के सरिये के स्लैब डाल दिए गए। ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के शायद ये घटिया निर्माण पूर्व में भी हादसों को जन्म दे चुके हैं। नाले के ऊपर स्लैब डालकर फुटपाथ बनाकर भरपाई की जा रही थी, लेकिन कमजोर निर्माण के कारण रविवार को इसी रास्ते से गुजर रही जेसीबी मशीन शिकार हो गई। नाले के गड्ढे में जेसीबी का पहिया फंसा रहा। क्षेत्र रहवासियों ने बताया, यह घटना अभी पहली बार नहीं हुई, तीन बार हो चुकी है अभी तक। एक बार खाली सांड जो इसके अंदर चढ़ गया तो गिर गया, दूसरी बार डंपर खाली आया तो गिर गया, आज तीसरी घटना हो गई जिसमें जेसीबी खाली आई है। ये खाली जेसीबी कहाँ जा रही थी ये तो पता नहीं है, पर यहाँ से खाली निकलने लगी साइड में तो ही इसके ऊपर पुलिया ऊपर रखते से गिर रही है। तीन बार हो चुका, ना इसके अंदर पक्का सलिया है, ना इसके अंदर पक्का माल है, ना इसके अंदर कोई चार इंची गिट्टी है। इस प्रकार से बिल्कुल हल्का माल का उपयोग किया गया है इसमें। जो चार बार यह हो चुका है, बस कल से बस बैठ जाएगी, बच्चों के यहाँ से पलटेगी या दुर्घटना बड़ी हो सकती है इसके अंदर। आप सामने देख ही रहे होंगे कंस्ट्रक्शन बहुत साल भर होना आ जाएगा इस कंस्ट्रक्शन को, अभी तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि नगर निगम ने वो ज़मीनें इतनी घेरी है, आप उधर देखना चाहेंगे तो ये ज़मीन जितनी उन्होंने खोदी है उसका भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है अभी तक। कोई ब्लॉक नहीं लगे हैं, घर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। दिवाली निकल गई, ईद निकल गई, पूरा त्यौहार निकल गए, ना कोई एक ब्लॉक लगने का नाम हुआ है। पीछे पुलिया है, पुलिया भी बीच में पूरी बीच की पूरी बची है वो पुलिया। कौन सा कंस्ट्रक्शन है ये, कैसा कंस्ट्रक्शन है ये कि पुलिया अभी तक नहीं तैयार हुई। रतलाम जिले की सीमा से लगी झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के ग्राम घुघरी के घाट पर शनिवार रात करीब 8:30 बजे बस पलट गई। इससे बस में सवार एक युवक की मौत हो गई व 15 व्यक्ति घायल हो गए। जिले की सीमा से लगी झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के ग्राम घुघरी के घाट पर शनिवार रात करीब 8:30 बजे बस पलट गई। इससे बस में सवार एक युवक की मौत हो गई व 15 व्यक्ति घायल हो गए। 3 घायलों को जिला अस्पताल में, विशेष घायलों को पेटलावत के अस्पताल में ले जाया गया है। घायलों के अनुसार बस में 30 से 35 यात्री सवार थे और बस खाई में 3 पलटी खा गई। जानकारी अनुसार बस नीमच के भादवा माता से झाबुआ जा रही थी। बस में मंदसौर व मंदसौर जिले के कचनारा के अलावा रतलाम से भी कुछ यात्री सवार थे। रतलाम से बस रात करीब 7:45 बजे रवाना हुई थी। रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद बस घुघरी का घाट पार कर रही थी, तभी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा पलटी। बस पलटने से यात्रियों की चीख पुकार गूंज उठी। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे घायलों को निकालना शुरू किया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को ग्रामीणों ने निकालकर एम्बुलेंस से अस्पतालों में भिजवाया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी व जवान भी मौके पर पहुंचे और बस के नीचे यात्रियों के दबे होने की आशंका के चलते क्रेन व जैसे भी बुलवाकर बस को सीधा करवाया गया। घायल आबिद पुत्र खुर्शीद कुरेशी निवासी झाबुआ, शंभू पुत्र दलसिंह मचार निवासी ग्राम कुंदनपुर थाना राणापुर जिला झाबुआ व अब्दुल अजीज पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी झाबुआ को रात करीब 11 बजे रतलाम जिला अस्पताल लाकर भर्ती करवाया गया। घायल यात्रियों का कहना था कि बस चालक नशे में भी था। तो कैसे क्या हुआ? आप बैठे हुए थे, अंधेरा था रोड पे, पूरा खड़खड़ 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 की आवाज आई, मतलब पलटी खाई है गाड़ी। हाँ। मेरे को लगता पी रखी थी उनने, दारू पी रखी थी। हाँ। ड्राइवर ने लगा है बिकॉज रतलाम में खड़ी थी करीबन आधे घंटे गाड़ी। अच्छा अच्छा। हाँ, आधे घंटे खड़ी। बिल्कुल, मैं तो वहाँ जावरा से आ रहा हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे थे? झाबुआ। झाबुआ के रहने वाला हूँ। कितने सवारी थे? कितने सवारी थे? 12 लोग थे। मुश्किल से ना, लेडीज जेंट्स मिला के सब 12। शत्रुघ्न सिंह। नगर निगम के सामने मेहंदीकुई बालाजी मंदिर के पास स्थित मकानों को जिला और नगर निगम प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से तोड़ा है, जिससे 8 परिवार के लगभग 60 सदस्य बेघर हो गए। उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं और पूरी रात उन्होंने टूटे हुए मकान के मलबे पर बैठकर गुजारी। 150 सदस्य रात को 8 बजे विधायक चेतन काश्यप के निवास पर गए। विधायक जी के वहां होने के बाद भी पहले तो इनकार कर दिया, बाद में कहा वो थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे। विधायक के निजी सचिव ने किस तरह से इन परिवारों से चर्चा की उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए वह वीडियो
क्या यह समस्याओं के जख्मों पर संवेदनाओं का मरहम है? महापौर जी से आज की व्यवस्था करो, बात करेंगे महापौर जी से। अभी कुछ नहीं हो सकता, बताया आपको। चलो आपको जो करना करो, उनको रिगार्डिंग कर ले भैया। प्रशासन ने कानून के विपरीत सबसे पहले जो 8 शौचालय बने हुए थे, जिसके लिए उन्हें शासन से इस मद में सहायता मिली थी, वह तोड़ दिए गए। अब शेष बचे परिवार, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा सदस्य हैं, बच्चे महिलाएं दिनचर्या कहां करेंगे? उल्लेखनीय है कि यहां पर लोग 80 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं। अगर नगर निगम को इस जमीन की आवश्यकता थी तो उसे इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी, कहीं पर भी पट्टे या प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने का काम करना था। इस मामले में पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कहा, रईसों के सपने के लिए गरीबों की कुर्बानी क्यों दी गई? किसानों को नजूल और नगर निगम ने बिल के तोड़ा, वो बिल्कुल उनका कत्ल इनलीगल है। वे लोग वहाँ 70 साल से रह रहे थे और नजूल की जमीन थी और शासन का स्पष्ट निर्देश है कि जो जमीन पर इतने साल से काबिज है उसे उसका हक दिया जाए, जमीन का पट्टा दिया जाए, उन्हें मालिक घोषित किया जाए। यह सब जानते हुए भी जिला प्रशासन ने जिस प्रकार का कार्य किया है वह हट धर्मिता की चरम सीमा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चेतन कश्यप के इशारे पर उन गरीबों के मकान को तोड़ा गया, जबकि उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि आपके मकान नहीं टूटेंगे और अगर मकान की आवश्यकता हुई तो आपको इसके एवज में जमीन देंगे। जब जो गोल्ड पार्क बन रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन ये उसका हिस्सा भी नहीं है। ये गोल्ड पार्क से अलग जमीन है, 106 नंबर खसरा की जो जमीन है, गोल्ड पार्क एक अपना अलग जमीन में 105/2 में है, 11.5 बीघा में। अब ऐसी स्थिति में इस मकान को तोड़ना, और दूसरा ये कि उनको कोई संभलने का मौका दे दिया, आधा सामान उनका उस मकान के मलबे में दब गया, और जब विधायक के निवास पर सारे लोग गए तो उनसे दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस बुलाकर 3 घंटे बाद उनको धक्के मारकर लाठीचार्ज करके वहां से भगाया गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप विकास कीजिए, पर विकास की कीमत गरीबी चुका है और गैर कानूनी रूप से गरीब विकास की कीमत चुका है, इट इज नॉट गुड। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। विकास के नाम पर गरीबों का हक मारना, उनका जायज हक मारना, उनका संवैधानिक हक मारना, ये माननीय विधायक जी को शोभा नहीं देता। और मिलते नहीं उसके बाद, उनको आना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना, क्यों थोड़ा। आज 60 लोग रात में ठंड में, 2 रात से ठंड में ठिठुर रहे, बच्चे वहाँ भोजन बना रहे, वहाँ सुबह सो रहे, वहाँ खा रहे पी रहे, उनके टॉयलेट तोड़ दिए, जो 10 मकान 8 मकान और बचे उनके टॉयलेट तोड़ दिए आपने, कहाँ जाएंगे वो लोग? सुखाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुखाधिकार पर अटैक करना जुर्म है, क्राइम है। तो मैं उसकी सख्त आलोचना करता हूँ और माननीय विधायक से कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को निभाए, सिर्फ अहंकार को पोषित नहीं करें। जिला अस्पताल की बेपटरी होती व्यवस्था का खामियाजा यहां आने वाले मरीजों, परिजनों और डॉक्टरों को ही भुगतना पड़ता है। विद्युत कंपनी ने रविवार को 10 से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रखने की सूचना दी थी, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की और अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा। बिजली नहीं होने के कारण एक्सरे, ईसीजी सहित अन्य उपकरण शोपीस बने रहे। ड्यूटी पर आए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को अंधेरे में उपचार करना पड़ा। यही हालत मरहम पट्टी से लेकर ऑपरेशन थिएटर की रही। डॉक्टर को मोबाइल की टार्च की रोशनी में उपचार करना पड़ा। भर्ती मरीज भी वार्डों में परेशान रहे। कहने को सरकार ने जिला अस्पताल को अनेकों जनरेटरों की सुविधाएं दे रखी है, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में जनरेटर शोपीस का कबाड़ा बने पड़े हैं। वहीं कुछ अन्य जनरेटर कहीं और अपनी सेवाएं देने की खबर है।
बाईपास पर सड़क हादसे होना रोजमर्रा के कामों में शरीक हो गया है। अनियंत्रित वाहनों की रफ्तार बेलगाम होने से लगातार हादसों को जन्म दिया जा रहा है। शनिवार रात एक बाइक को तेज गति से जा रही तूफान गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसे में घायल राहुल पिता नंद किशोर गुजराती तथा मुकेश पिता मुंशी लाल डामर अपने घर सेजावता जा रहे थे, इसी दौरान सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। घायलों ने बताया, ऐसा बुरा हुआ। कौन सी गाड़ी से हुआ, किसने टक्कर मारी है? ये अपने तूफान पानी शायद। आप कहां जा रहे थे? मैं घर जा रहा था। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत समस्त चिकित्सा शिक्षक सहित सभी अधिकारी कर्मचारी चिकित्सा महाविद्यालय में डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम की नियुक्ति के विरोध में कल सोमवार 21 नवंबर 2022 को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाएंगे। 22 तारीख मंगलवार को काला दिवस मनाते हुए सभी कर्मचारी अधिकारी चिकित्सक कार्य बंद रखेंगे। शासन द्वारा 22 नवंबर की कैबिनेट में लाए जा रहे प्रशासकीय अधिकारियों की चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्ति के बिल के विरोध में यह निर्णय लिया कि इस गलत प्रक्रिया का मजबूती से विरोध होना चाहिए। आईएमए प्रेसिडेंट ने समर्थन देते हुए बताया, मैं डॉक्टर स्वर्णकांता लिखार, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रतलाम, एमटीए के पदाधिकारियों के द्वारा यह बात संज्ञान में लाई गई है कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में डीन व सुपरिटेंडेंट के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन में के द्वारा कैबिनेट में लाया जा रहा है, जिसका मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रतलाम का पूर्ण सहयोग व समर्थन एमटीए प्रदेश के समस्त चिकित्सा शिक्षकों के साथ है, एवं किसी भी आंदोलन के लिए प्रदेश के समस्त शिक्षक, चाहे वो निजी हो चाहे वो चिकित्सा शिक्षक हो, हम सब एक साथ एकजुट होकर के किसी भी स्तर पर जाकर के इस प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के आंदोलन का पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।